एलिमेंट्स ऑफ आ वर्चुअल कम्युनिटी हमने लास्ट लेक्चर में बात की जिसमें हमने डिफ्रेंशिएट किया ऑर्गेनिक और वर्चुअल कम्युनिटी को अब हम पर्टिकुलरली बात करने चाह रहे हैं कि अगर कोई वर्चुअल कम्युनिटी हो तो उसके क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं तो जो पहला एलिमेंट है किसी वर्चुअल कम्यूनिटी का है कि वो किस मकसद के लिए बनाई गई है वट इज़ अ पर्पज़ ऑफ बिल्डिंग आ वर्चुअल कम्यूनिटी

भी फॉर्म करते हैं गवर्नेंस तो जब हम आ, आ, बात करते हैं एलिमेंट्स की तो वर्चुअल कम्युनिटी को चलाने के लिए भी आपको एक गवर्नेंस का स्ट्रक्चर चाहिए आपको फैसिलिटेटर चाहिए आप मेंबर्स को डिफरेंट मैनेजमेंट ड्यूटीज असाइन करते हैं और अलाउ करते हैं कम्युनिटी टू ग्रो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द कम्युनिटी कम्युनिकेशन वर्चुअल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है कि लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करें ऑनलाइन जितना ऑनलाइन इंटरेक्शन ज़्यादा होगा आ, लोगों का एक दूसरे के साथ उतनी ही वो कम्युनिकेशन ज़्यादा होगी और वो उतनी ही वो वर्चुअल कम्युनिटी सक्सेसफुल होगी ग्रुप्स कम्युनिटी मेंबर्स ग्रुप दम अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफ़िक इंटरेस्ट और टास्क एक वर्चुअल कम्युनिटी के अंदर भी स्पेसिफिक ग्रुप्स बन सकते हैं जो कि जो है सब इंटरेस्ट की बेसिस पे होते हैं जैसे कि अगर एक कम्युनिटी बनाई गई है वर्चुअल प्रमोशन ऑफ एनी एजेंडा तो उस एजेंडे को प्रमोट करने के लिए सब टास्क साइन किए जाते हैं और वो सब टास्क की बेस पर आ, सब ग्रुप्स फॉर्म हो सकते हैं इन्वामेंट वर्चुअल कम्युनिटी का जो इन्वायरमेंट होता है वो सिनर्जिक इन्वायरमेंट होता है Uh, जिस में आप रिस्पेक्ट ईच अदर एंड यू जॉइंटली कंट्रीब्यूट इन द कम्युनिटी एंड थ्रू दिस जॉइंट एफर्ट यू कैन अचीव योर पर्पस बाउंड्रीज जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है बाउंड्रीज़ का कि वर्चुअल कम्युनिटी की भी कुछ लिमिट्स uh, uh, होती हैं जिसके अंदर रह के ही आप कम्युनिटी को चलाते हैं

ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट एलिमेंट है जब हम वर्चुअल कम्युनिटी की बात करते हैं क्योंकि वर्चुअल कम्युनिटी क्योंकि आप ऑफलाइन तो एक दूसरे को जानते नहीं हैं फिजिकल लाइफ में तो एक दूसरे को जानते नहीं हैं आप थ्रू कम्युनिकेशन वर्चुअल कम्युनिकेशन ही एक दूसरे को जानते हैं तो इसमें ट्रस्ट का एलिमेंट जितना ज़्यादा होगा उतनी जो है वर्चुअल कम्युनिटी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी और ये ट्रस्ट का एलिमेंट तब ही बिल्डअप होता है जब वहाँ पर एक अच्छा उसको गवर्नेंस सिस्टम हो उस कम्युनिटी को रन करने के लिए और वहाँ पे एक अच्छी इंटरेक्शन हो बिटवीन द मेंबर्स एक्सचेंज इट इज़ द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द वर्चुअल कम्युनिटी द कम्युनिटी रिकगनाइज फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज वैल्यूज सच एज़ नॉलेज एक्सपीरियंस सपोर्ट बैटर और मनी बैटर और मनी तो आप कम्युनिटी जो वर्चुअल कम्युनिटी होती है जस्ट लाइक अ फिजिकल कम्युनिटी और जस्ट लाइक ऑर्गेनिक कम्युनिटी यू शेयर द नॉलेज यू एक्सचेंज द नॉलेज यू शेयर द एक्सपीरियंस यू एक्सचेंज द एक्सपीरियंस एंड यू प्रोवाइड सपोर्ट टू ईच अदर एक्सप्रेशन इज द नेक्स्ट एलिमेंट एंड द कम्युनिटी इट सेल्फ अ सोल और पर्सनैलिटी मेम्बर्स आर अवेयर ऑफ वट अदर्स कम्युनिटी मेम्बर्स आर डूइंग

तो जितना इसको रखा जाता है इसका रिकॉर्ड उतनी ही कोई वर्चुअल कम्युनिटी सक्सेसफुल हो सकती है थैंक यू